बेटे से हथियार के बल पर लूटा गया तकरीबन 20 लाख रुपए की चांदी। भागलपुर शहरी क्षेत्र के तिलकामांझी थाना क्षेत्र स्थित दीक्षण मोड़ में पटेल बाबू रोड के आर बाखला वाली गली में दो अज्ञात अपराधियों द्वारा 30 किलो चांदी के आभूषण लूट लिए गए। आभूषण करीब 18 से 20 लाख रुपए मूल्य के बताए जा रहे हैं। इस बात की जानकारी मिलते ही जिला पुलिस एक्शन में आ गई और पूरे शहर में नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू हो गई। वहीं मामले की जांच को लेकर सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात और एसपी सिटी शुभम आर्य घटना की जांच में पहुंचे। मिली जानकारी के अनुसार लूटी गई चांदी सोनापट्टी स्थित स्वर्ण कारोबार करने वाले व्यवसायी रतन लाल वर्मा की बताई जा रही है। रतन लाल वर्मा कोलकाता से भागलपुर बस स्टैंड पहुंचे और उनका बेटा पवन वर्मा स्कूटी लेकर बस स्टैंड भागलपुर पहुंचा और कोलकाता से लाए 30 किलो चांदी की थैली लेकर वह अपने घर सोनापट्टी जा रहा था, तभी अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दे दिया। स्वर्ण व्यवसायी रतन लाल वर्मा के पुत्र पवन वर्मा ने कहा कि मेरे पिताजी कोलकाता से भागलपुर बस स्टैंड सुबह 5 बजे से 6 बजे के करीब पहुंचे और उन्होंने मैं चांदी का थैला लिया। जैसे ही सामान लेकर आगे स्कूटी से घर की ओर जा रहे थे, तभी मुझे अपाचे मोटरसाइकिल से दो अपराधियों ने ओवरटेक किया। उसके बाद मेरे साथ दोनों अपराधियों ने मारपीट की, फिर हथियार दिखाकर थैली सहित 30 किलो चांदी जिसका मूल्य तकरीबन 18 से 20 लाख रुपए है छीन ली और उन लोगों के पास दो हथियार भी थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि उन लोगों को पहले से पता है कि मेरे पास चांदी की थैली है, तभी अपराधियों ने अंजाम। मामले की सूचना मिलते ही सिटी एसपी शुभम आर्य मौके पर अपने दलबल के साथ पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। सिटी एसपी ने कहा कि पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी गई है, कई जगह पुलिस बल लगा दिया गया है, कई जगह छापेमारी भी चल रही है, साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला जा रहा है। जल्द ही अपराधियों को पकड़ा जाएगा और उम्मीद है कि सामान की भी रिकवरी जल्द होगी। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट।